ना ये बात है जब हम अर्निंग शुरू कर चुके थे यूट्यूब पे हाँ तो मेरा एक दोस्त था उसका भी एक भाई है बड़ा भाई तो मैं उसके घर जाता रहता था उसे पता चला होगा उसके भाई को कि वीडियोस बना रहे हैं हम ऐसी कुछ तो थोड़ा एटीट्यूड वाला बंद होता ना कि दिखाना छोटा किसी को तो वो एक दिन मैं पहुंचा तो उससे बोलता क्या कर रहे हो ये तुम उससे क्या मिलेगा कुछ पैसे वैसे कमाओ तो बोला यार मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता कह रहा तो मुझे डॉलर से फर्क पड़ता कह रहा मतलब तो मुझे डॉलर के भाव से फर्क पड़ता बढ़ने से और घटने से अच्छा बोलो, इसको समझा मैंने वो तो तुम तब समझोगे ना कमाओगे डॉलर में नाजिम भाई ऐसी ये ठग लाइफ तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सीरियस है कोई नहीं चलेगा मतलब सेम जैसे जैन बोल रहा है स्टार्टिंग के डेज में जो होते हैं कुछ लोग कि क्या कर रहा है ये कर रहा है ना और काफी मतलब क्रिटिसाइज करते हुए एक बंदा है ना नाम नहीं ले रहा है ना ज्यादा मतलब पकड़ के घेर घेर के वो क्रिटिसाइज करता था कि इसमें अर्निंग नहीं है कुछ नहीं है इससे अच्छा तुम मजदूरी करो कुछ करो हाँ. है ना अब कितने तीन चार साल हो गए ना पांच साल हो गए शायद उसका भाई काम करता है अपने साथ <laughs> 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 वक्त से जवाब है मैंने तो वक्त से जवाब है क्या बात है अब बोलना मत नहीं है <laughs> <laughs> अगर सब बता रहे तो मैं भी बताऊंगा। <laughs> मत लो। तो मेरा कुछ ऐसा है कि रिलेशन में एक होता है किसी के घर पे बहुत बढ़िया कमाने वाला होता है एक बढ़िया होता है तो वो सबको एडवाइस देता है हाँ। तो हम जब कुछ नहीं करते थे तो घर पर आकर एडवाइस देने का काम था कि भाई कुछ कर लो पढ़ लो ये कर लो वो कर लो दुनिया भर की बात है बहुत समझाता था फिर उसके बाद जब हम जैसे आगे आगे बढ़े 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 फिर उसके बाद आता उसका फ़ोन कि यार वसीम ऐसे ऐसे बात है मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं ऑफिस के बंदे हैं तो यार तेरे से मिलना चाह रहे हैं और तेरे को बहुत पसंद करते हैं वो लोग मैं कह रहा अच्छा तो मैंने भी कहा कि यार अभी काम धंधे में व्यस्त हूँ <laughs>